Hi family, welcome to the new video segment of DRX Pharma. Let's be a drug expert. तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम शुरू करे थे आपका सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का. आज जो है हम यूनिट 2 शुरुआत करने जा रहे हैं और उसका पहला टॉपिक जो है हम बहुत सारे डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, उसका प्रिवेंशन, साइन एंड सिम्टम, देन व्हाट आर द कंट्रोल वी हैव टू टेक, सब चीज को यहाँ पे हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे. तो चिंता करने की बात नहीं है. तो आप लोगों का बस एक ही काम है, क्या करो, आपने रेडियल बटन को जैसे दबाते हुए से सब्सक्राइब बटन को अभी दबाओ और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि वहां से आपको कोई भी अपडेट हमारे चैनल से आप कभी भी मिस नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरुआत करते हैं. आपका कॉलरा, तो ये आपका कॉलरा जो है वो पहला टॉपिक है. तो हम आज बात करेंगे आपकी विब्रियो कॉलरी जो है वो आपका कॉजेटिव एजेंट है. तो हमें कैसे पता चलेगा, इस कॉलरा डिजीज को लिखने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं क्योंकि ये जल्दी से याद नहीं रहता. तो मैं आपको सिंपल स्टॉम में बताता हूँ. एक सॉन्ग है बादशाह का, सैया ने मुझे ऐसे देखा मैं पानी पानी हो गई. ठीक है, यहाँ पे सैया जो है वो विब्रियो कॉलरा है और पानी पानी का मतलब आपका वाटरी डायरिया. ठीक है, जब आपको सैया ने ये आपका विब्रियो कॉलरा जब अफेक्ट करेगा तो आप क्या हो जाओगे, पानी पानी हो जाओगे, मतलब आपको वाटरी डायरिया जो है वो सिम्टम देखने को मिलेगा. बार बार रिपीटेटिव आपको टॉयलेट जाने को देखने को मिलेगा और ये आपका कॉम्प्लिकेशंस में आता है. तो विब्रियो कॉलरा जो है वो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है और वो शेप में इसकी बात करें वो आपकी कॉमा सेपिड होती है. ठीक है, कॉमा सेपिड वो आपका जो विब्रियो कॉलरी होती है. देन कॉज क्या करती है, ये कॉन्टामिनेटेड आपका कहां से ये होता है, कॉज आपको कॉन्टामिनेटेड वाटर, पहला है कॉन्टामिनेटेड वाटर. ठीक है, दूसरा है आपका रॉ फूड, आपका रॉ फूड हो सकता है, रॉ वेजिटेबल्स हो सकता है, वो आपका कॉज करेगी आपका कॉलरा. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी फूड्स. ठीक है, सी फूड से ज्यादातर लोगों को जो कि आपके सी साइड में रहते हैं, ठीक है, जिन्होंने जिनके पास घर के पास क्या होती है, सी बीच वगैरह होती है, वो ज्यादातर आपका सी फूड को प्रिफर करते हैं क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है. तो यहाँ पे कॉलरा जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करता है और वो आपका सी फूड जो है वो मेन कॉज है उसका. ठीक है, तो वो आपका वाटर बॉर्न इलनेस कंटामिनेटेड बाय, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉपेट पॉट्स. ठीक है, कॉपेट्स, तो वाटर बॉर्न इलनेस जो है वो कंटामिनेटेड बाय कॉपेट्स. तो वाटर बॉर्न किसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम जो देखते हैं वो आपका वाटर, कंटामिनेटेड वाटर से आपका कॉलरा जो है वो स्प्रेड होता है, इसलिए उसे वाटर बॉर्न डिजीज कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फीकल डिजीज वे होती है. क्यों, क्योंकि एक पेशेंट को अगर मान लो कॉलेरा हुआ, वो अपना जो है वो सैनिटेशन प्रॉपर नहीं किया, वो वहां पे कहाँ चला गया, खेत में चला गया, खेत में जाकर उन्होंने क्या किया, अपना जो है एलिमिनेशन किया. एलिमिनेशन करने के बाद जो फीकल मैटर वहां पे डिपॉजिट हुआ, वो फीकल मैटर अगर आपके कहाँ पे स्टोर हुई, कोई भी आपका वेजिटेबल ग्राउंड हो, ठीक है, वहां पे कोई आपका क्या हार्वेस्टिंग हो रहा हो, हार्वेस्टिंग किस चीज का, आपका फूड का हो सकता है, आपका वाटर का हो सकता है, वहां पे अगर वो फीकल मैटर जो है गया, देन वहां पे क्या कॉज करेगा, वो कॉन्टामिनेशन कॉज करेगा. ठीक है, और वो कॉन्टामिनेशन आपका कॉन्टामिनेटेड वाटर हो सकता है और कॉन्टामिनेटेड फूड आपका फिर क्या कॉज करेगा, दूसरे व्यक्ति जो लोग वो फूड खाएंगे, वो वेजिटेबल्स खाएंगे, वो वाटर कॉन्टामिनेटेड वाटर इनटेक करेंगे, उन्हें कॉलरा होने की चांसेस रहती है. ठीक है, तो हम उसको बात कर रहे हैं और इसका टू लाइफ साइकिल होती है. टू लाइफ साइकिल मतलब ये जो विब्रियो कॉलरी होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसका टू फेजेस का लाइफ साइकिल होता है. एक तो एनवायरमेंट में हुआ, एनवायरमेंट में कंटामिनेटेड वाटर में आपका क्या हुआ, उसका एक फेज, ठीक है, स्टार्ट हुआ और वो ग्रोन अप होगा, और दूसरा फेज होता है वन इन ह्यूमन. ठीक है, एक फेज आपका जैसे मलेरिया में होता है ना, एक आपका मलेरिया की मस्क्यूटो में होती है एक फेज और ह्यूमन होती है दूसरी होस्ट. ठीक है, वैसे ही इस विब्रियो कॉलरा का दो फेजेस होती हैं, एक होती है एनवायरमेंट में आपका कॉन्टामिनेटेड वाटर हो गया या आपका कॉन्टामिनेटेड फूड में वो क्या होता है, खुद को जनरेट करते हैं, ग्रोन अप करते हैं, और दूसरी तरफ की बात करें तो वो आपका एज ए ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर वो अपना दूसरा फेज जो है वो कंटिन्यू करती है. और
उन्होंने क्या किया कि आपका मेनली सरफेस ऑफ वाटर और सी फूड, रॉ फूड और ग्रेन्स, इस चारों चीज को आपको ध्यान रखना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये आपको एमसीक्यू भी में आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या। एक होता है आपका यस रॉ फूड, ठीक है, कोई भी रॉ फूड हो। दूसरा होता है आपका सी फूड, ठीक है। तीसरा होता है आपका कॉन्टामिनेटेड वाटर, कॉन्टामिनेटेड वाटर हो सकता है। और दूसरा हो सकता है आपका ग्रेन, ठीक है। इन चारों चीजों से आपका कॉलरा जो है वो स्प्रेड कर सकता है। और कैसे कॉज करता है उसका पैथोफिजियोलॉजी हम आप समझते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में आप देखोगे कि विब्रियो कॉलरा अक्युमुलेट इन द स्टोमक, आपने क्या किया कि कंटामिनेटेड वाटर हो, कंटामिनेटेड फूड हो, आपने इंटेक कर लिया। इंटेक करने के बाद वो जाएगा कहाँ, स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में आपका विब्रियो कॉलरा क्या करती है, एंडोटॉक्सिन, ठीक है, एंडोटॉक्सिन जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। एंडोटॉक्सिन अगर एक बार प्रोडक्शन हो गया तो एंडोटॉक्सिन जो है वो आपका एक केमिकल एंटिटी है और वो केमिकल एंटिटी बाइंड किससे करेगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसे हम सिंपली GPCR से याद रखते हैं। तो वो वहां पे जाके GPCR से बाइंड हो गया। GPCR को बाइंड करने के बाद वो क्या करती, इनएक्टिवेट द GTPase, ठीक है। इनएक्टिवेट GTPase मतलब GPCR को वो क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। GPCR अगर एक्टिवेट हो गया तो वो क्या हो गया, रिसेप्टर ऑन ऑफ फेनोमेनन आप सब लोग जानते हैं, वो क्या होगा, वो रिसेप्टर को ऑन कर देगा। ऑन कितनी देर तक करेगा, जितनी देर तक आपका साइक्लिक AMP जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो जाए। और साइक्लिक AMP अगर इंक्रीज हो गया देन वो आपका आयन चैनल को जो है वो एक्टिवेट कर देती है। वो आयन चैनल जो फर्दर एक्टिवेट हुआ वो आपका क्या करेगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, आपका सॉल्ट जो है वो अक्युमुलेशन होना स्टार्ट करेगा। हम लोग ये जानते हैं जहां पे भी सॉल्ट रख दो वहां पे अगर वाटर कंटेक्ट में आएगा तो सॉल्ट क्या करेगा, सब कुछ सोख लेगा, ठीक है। जो जहां पे भी वाटर आपका कंटेंट हो वो आपका क्या करेगा, अपने पास जो है वो खींच लेगा। अपने पास खींचने का मतलब क्या है, अब NaCl के साथ साथ पानी भी आपका आ गया और ये पानी और ये NaCl दोनों आपका लिबरेट हो जाएंगे आपके फिकल मटेरियल में। तो आपको क्या डेफिशिएंसी हुआ, आपका सॉल्ट का आपका डेफिशिएंसी हुआ और आपका वाटर का, तो आपको दोनों तरह से हुआ, ठीक है। तो आपका आपका हाइपोवोलेमिया कंडीशन हुआ, ठीक है, जिसमें और डिहाइड्रेशन का कंडीशन हुआ। वाटर एंड आपका जो सॉल्ट कंटेंट है वो दोनों आपके बॉडी में लेस होते जाते हैं, जो आपका लीड्स कराती है आपका वाटरी डायरिया। तो आपको कंप्लीटली ये समझ में आ गया होगा कि ये टोटली वाटर बॉर्न जो है वो डिजीज होती है। तो साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं, तो पहला है स्टोमक पेन, ठीक है, स्टोमक पेन तो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा होता है आपका लेग जो है वो क्रैम्प करना स्टार्ट करेगा, वहां पे क्या होती है, लेस आपका ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जैसे कि आपकी लोअर जो लेग होती है, ठीक है, लोअर बॉडी पार्ट जो है वो पेन करना स्टार्ट करती है। तीसरा होता है फीवर, ये माइल्ड होता है, 104 और 37 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा रहता है ये फीवर जो है। वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग से भी आपका क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, आपका वाटर लॉस हुआ, आपका फूड जो भी लिए हो वो भी निकल गया। चौथा चीज होती है डिहाइड्रेशन, मैंने आपको बताया कि डिहाइड्रेशन कैसे होती है, आपका सोडियम जो है वो सब वाटर कंटेंट लेकर पानी पानी हो गया, सब कुछ पानी पानी हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्राई माउथ, अगर आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन है तो ड्राई माउथ तो रहेगा, ये तो कॉमन सिम्टम है। और आपका यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी में वाटर ही नहीं है तो यूरिन आउटपुट कहाँ से होगा भाई, ठीक है, ये आपसे आपको याद रखना है। अकर्स इन 2 to 3 days आफ्टर द कंजप्शन, आपको ये रेगुलर आपका इंटरवल में एक देखने को मिलेगा। अब आपने कॉन्टेमिनेटेड वाटर यूज किया तो आपको सडनली आपका ये सिम्टम नहीं दिखाएगा, एटलीस्ट 2 to 3 days वो टाइम लेगा अपना जो है वो सिम्टम एंड साइन दिखाने के लिए, ठीक है। और ये आपका 8 to 10 days, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, आपके बॉडी में रहता ही है, ठीक है। और बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही इजी, मैं आपको सिंपल वे में समझता यस मैं आपको इजीली समझा देता हूँ कि क्या होती है इसकी कॉम्प्लिकेशन। आप लोगों को मैंने पहले बताया कि यहाँ पे हुआ क्या, डिहाइड्रेशन, तो आपके बॉडी में वाटर कंटेंट जो है वो कम हो गया। अब आपके बॉडी में वाटर कंटेंट जो है वो कम हो गया, वाटर कंटेंट कम हो गया तो हाइपोवोलेमिया की कंडीशन आई, ठीक है, वाटर कंटेंट हो गया तो वोलेमिया, तो वोलेमिया लीड्स टू शॉक, शॉक हो गया। शॉक के बाद क्या होती है, शॉक होने के बाद आपका रेनल फेलियर स्टार्ट होता है।
और आपका जो किडनी है वो आपका एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फिल्टर ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिल्टर करने के लिए क्या चाहिए, आपका वाटर कंटेंट चाहिए, वाटर तो नहीं है, तो आपका क्या हो गया, कि रेनल फेल्योर हो गया। तो एट लास्ट हम क्या देखेंगे, एट लास्ट हम देखेंगे ये जो आपका रेनल फेल्योर आपका कॉज कराता है आपका सिंपली डेथ, द डेड एंड। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लिकेशन हुआ, पहले होगा डिहाइड्रेशन, देन उसके बाद शॉक, देन रेनल फेल्योर, रेनल फेल्योर लीड्स टू डेथ। तो ये आपका चारों फेजों में उसका कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क फैक्टर की बात करें तो पुअर सैनिटरी कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन हुआ कि सैनिटरी का प्रॉब्लम जहां पर रहेगा आपको ऐसे डिजीज देखने को मिलेगा। मैं अपने पिछली वीडियो में अभी आपको बता चुका हूं कि सैनिटरी प्रॉब्लम ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा होता है हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। इसका मतलब क्या होती है, हाइपोक्लोरोहाइड्रिया में आपके बॉडी में जो स्टोमक है वो स्टोमक क्या होती है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ HCl जो है वो सीक्रेट करना नहीं चाहती। ठीक है, और वो HCl जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीक्रेशन नहीं होता। तो इससे फायदा किसको होगा, इससे फायदा होगा आपका विब्रियो कॉलरा जो बैक्टीरिया है उसे फायदा होगा जीने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो आपका हायर एसिडिक कंडीशन को संभाल नहीं पाती। अगर आपका बॉडी में HCl सीक्रेशन नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाएगा, क्योंकि ज्यादा से HCl सीक्रेशन होगा तो वो मर जाएगा। ठीक है, आपके अगर आपके बॉडी में आपका हाइपोक्लोरोहाइड्रिया की कंडीशन है और आपका जो है वो HCl ज्यादा सीक्रेशन नहीं हो पा रहा है, देन उसे पॉजिटिव फीडबैक एक मिल जाता है कि हाँ मैं ज्यादा देर तक स्टे कर सकता हूँ उसके होस्ट के बॉडी में। ठीक है, तो ये आपका हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। और जो कि रॉ फूड्स लेते हैं और अनकुक्ड फूड लेते हैं, ठीक है, उन्हें ज्यादा खतरा रहता है कॉलेरा में अफेक्ट होने के लिए, क्योंकि जो कॉलेरा विब्रियो कॉलेरा होती है वो क्या करती है, आपके फूड्स की सरफेस में जाकर स्टे कर लेती है। ठीक है, आप अगर खाने से पहले उसे ठीक से भिगाओगे नहीं, धोओगे नहीं, साफ नहीं करोगे और ईट कर लिए, इनटेक कर लिए, देन आपको ज्यादा से ज्यादा खतरा रहती है आपका क्या, विब्रियो कॉलेरा और इस कॉलेरा डिजीज में अफेक्ट होने के लिए। ठीक है, ये वाला था आपका कॉम्प्लिकेशन हमने कंप्लीट किया, रिस्क फैक्टर हमने बताया, और डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस तो आप ऐसे कर सकते हो कि उसका फीकल मटेरियल लो और देखो कि विब्रियो कॉलेरा जो है वो प्रेजेंट है या नहीं, और दूसरा कर सकते हो वो क्या होती है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है। तो हम क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे। ग्राम स्टेनिंग में अगर हमें पता चला कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं ये डायग्नोज हो सकता है कि हाँ ये कॉलेरा के सिम्टम्स है। और वाटरी डायरिया से आप तो देख ही सकते हो कि हाँ वाटरी डायरिया है, तो मतलब ये आपका कॉलेरा की पहली सिम्टम है। और डायग्नोसिस के बाद फूड पॉइजनिंग आप देख सकते हो, और वायरल आपका गैस्ट्रो इंटेस्टेनिमिया इसे भी कर सकते हो। और तीसरा होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो आपका क्या लॉस हुआ है मुझे आप बता सकते हो, क्या लॉस हुआ है आपका, आपका पहला तो मैंने आपको बताया कि हाइपोवोलेमिया की कंडीशन हो गया, मतलब वाटर जो है वो लॉस हुआ है और आपका सॉल्ट जो है वो लॉस हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैं अगर ORS ले लूं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स ले लूं, तो क्या होगा, मुझे आपका सॉल्ट में मिल गया और मुझे जो मेरा वाटर लॉस हुआ था वो मिल गया, वो यहाँ पे हम ORS ले सकते हैं। और IV fluids भी यहाँ पे ले सकते हैं। IV fluids में mainly RL, Ringer lactate solution जो है वो आपका यूज किया जाता है। और ट्रीटमेंट में क्या देख सकते हो, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपीज। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के लिए हम एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी जो है वो दे सकते हैं, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपीज और मेडिकेशंस जो भी हो हम ट्रीटमेंट के लिए उसे दे सकते हैं। और बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में आपका क्या होती है, पहला होता है आपका हेल्थ एजुकेशन, जहां पे एजुकेशन लॉस वहां पे आपका डिजीज शुरू। ठीक है, तो एजुकेशन को मच मोर प्रायोरिटी देना चाहिए, और एजुकेशन ठीक है बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, और जो है वो अवेयरनेस सबके अंदर, ये अवेयरनेस जो है वो आपका रहना चाहिए अवेयरनेस। और तीसरी की बात करें हाइजीन, हाइजीन तो मेनली बहुत ही बड़ा फैक्टर अदा करती है आपके इस डिजीज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपका इस डिजीज को घटाने के लिए आपका हाइजीन अगर साफ सुथरा है, आप अगर सैनिटरी कंडीशन साफ सुथरा है, देन आप प्रेडिक्ट करोगे कि हाँ मुझे अभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक होता है हाइजीन, और दूसरा की बात करें आपका क्या होती है,
केमो प्रोफाइल एक्सिस। तो केमो प्रोफाइल एक्सिस में आप क्या इंडिकेट करोगे कि आपका एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी हुआ, केमो प्रोफाइल एक्सिस, ठीक है। तो आपको मेडिकेशन वगैरह भी लेना चाहिए इस आपके कॉलेरा को डिफीट करने के लिए, हराने के लिए। और चलते हैं, और दूसरा क्या होती है सैनिटेशन, मैंने आपको बताया सेफ वाटर आपको इनटेक करना है, कोई भी ऐसे कंटामिनेटेड वाटर आपको यूज नहीं करना है, हर वक्त एक मिनरल वाटर जो है वो पीना चाहिए। मिनरल वाटर में आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिनरल भी मिला, और आप इस माइक्रोब से और इस आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो विब्रियो कॉलरी है उससे आप बच सकते हो। और ये चलते हैं, और दो चार पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इस प्रिवेंशन के बारे में। ब्लॉक द रूट कॉज ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का रूट क्या था आपका फीकल मैटर, ठीक है। तो अगर सैनिटरी कंडीशन ठीक हुआ तो हमारा क्या होगा कि फीकल मैटर आपके कोई वाटर कंटामिनेटेड नहीं होगी और फूड को कंटामिनेट नहीं कर पाएगी, तो आपका जो ज्यादा पॉपुलेशन है एक बंदे को अफेक्ट हुआ तो उसका सोशल एनवायरमेंट में जो लोग भी रह रहे हैं वो कभी भी अफेक्ट नहीं हो सकते। और दूसरा कितना मतलब क्या हुआ कि डज नॉट सर्वाइव इन द इन द एसिडिक मीडियम। तो हम क्या करेंगे, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि आपका बॉडी अगर एसिडिक है, एसिडिक मतलब समझ रहे हो ना, पीएच जो है वो लेस देन 7 है, ठीक है, पीएच आपका लेस देन 7 है, तो आपका क्या होती है वो विब्रियो कॉलरा जो है वो आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो जिस लोगों को ये प्रॉब्लम हो कॉलरा की डिजीज है तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे, क्या सिट्रस फूड देंगे। यस, सिट्रस फूड मतलब आपका लेमन हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, जहां पे आपको विटामिन सी देखने को मिलेगा वो आपका सिट्रस फूड है। तो इस सिट्रस फूड को हम अगर पेशेंट्स को दें तो क्या होगा, एसिडिक कंडीशन जो है वो राइज अप होगी, एसिडिक कंडीशन जो है बढ़ेगी, ठीक है। और आईपक जिसका हाइपोक्लोरोहाइड्रिया की सिचुएशन है वहां पे एसिड कम जनरेट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बाहर से एसिड जो है वो दे देंगे, ठीक है, वो आपका विटामिन सी है और वहां पे एफिशिएंट भी मिलेगा और इसका भी एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। तो ये आपका एकदम एक रामबाण इलाज होगा, आपका सिट्रस फ्रूट दे सकते हैं उसे, लेमन का आपका दे सकते हैं, कुछ सोडा वगैरह भी दे सकते हैं, और दूसरी बात क्या होगा कि ऑरेंज का भी जूस हम दे सकते हैं, जिससे क्या होगा वो बैक्टीरिया सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा उस पेशेंट की स्टोमक में। ओके, ये रहा आपका। और तीसरा चलते हैं कंट्रोल की तरफ। कंट्रोल में आपको हर वक्त मैं बताता हूँ कि इस टॉपिक में आपको प्रिवेंशन और कंट्रोल ये दोनों के ऊपर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। प्रिवेंशन में आपने हमने देखा हेल्थ एजुकेशन, हाइजीन, सैनिटेशन, केमोप्रोफाइल एक्सिस, सेफ वाटर सैनिटेशन और कैसे हम ट्रांसमिटेशन का जो ट्रांसमिटेंस हो रहा है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, किसे उसे विटामिन सी देकर हम बचा सकते हैं। और कंट्रोल में आप देखोगे ट्रीटमेंट कंट्रोल होता है, ठीक है, एक सैनिटरी मेजर होता है, एक होता है सर्विलेंस। पहला होता है आपका सर्विलेंस, हमको इस जगह को आइडेंटिफाई करना है, मेनली आपका स्लम एरियाज। आप देखोगे कि एक अर्बन अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन में एक स्लम एरिया होती है, वहां पे ज्यादातर आपको कंटामिनेशन वाटर, कंटामिनेटेड फूड लोग खाते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे आपको सर्विलेंस करना चाहिए कि वो लोग प्रॉपर वाटर इंटेक कर रहे हैं या नहीं, वो सिट्रस फूड ले रहे हैं या नहीं, और कंटामिनेटेड उस जो जगह पर हुए वहां पे आपका विब्रियो कॉलरा स्प्रेड करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं वाटर में आपका एक सैंपल लेते हैं और सैंपल को टेस्ट करते हैं, वहां पे विब्रियो कॉलरा जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो कि कोई माइक्रोब जो है वो जनरेट ना करे, जिसलिए कि वो स्लम एरियाज के जो लोग हैं वो कभी भी अफेक्ट ना हो, और वहां पे प्रॉपर सैनिटेशन की आवश्यकता रहती है। और ये सैनिटेशन ही आपको कहीं ना कहीं इस डिजीज से, बहुत सारे डिजीज से आपको बचाने का काम करती है, ठीक है। एक होता है आपका सर्विलेंस, देन होता है आपका सैनिटरी मेजर। लोगों को अवेयरनेस चाहिए, ठीक है, हम उसे प्रोवाइड करना चाहिए। तो टॉयलेट एक प्रेम कथा से पहले, जैसे ही मैंने आपको बताया था टॉयलेट एक प्रेम कथा जो एक फिल्म रिलीज हुई थी, उसके पहले सिर्फ और सिर्फ ये सैनिटरी प्रोग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कथा ही रह गई थी। कहीं ना कहीं 2019 से देखने को मिला है 94% ऑफ आवर पॉपुलेशन इन इंडिया यूजेस द टॉयलेट, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम उसे आदर करना चाहिए कि हाँ देश थोड़ा सा तरक्की इसमें कर रहा है। और चौथे की बात करें ट्रीटमेंट, ठीक है, और उसे ट्रीटमेंट लगातार देना चाहिए। ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया था कि ट्रीटमेंट में क्या क्या देना होगा उसे, ओआरएस तो दोगे ही दोगे क्योंकि आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है,
और आईवी फ्लूइड्स आप दे सकते हो, अगर हॉस्पिटलाइजेशन पॉसिबल हुआ देन आप उसे वो लोग दे देंगे, आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आरएल वो आपको दे देंगे। और एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी जो है वो आपका प्रॉफिट फिजिशियन जो होती है, रजिस्टर्ड फिजिशियन, वो आपको रिकमेंड करेंगे कि हाँ एंटीमाइक्रोबियल दवाई अभी ले सकते हो क्योंकि आपका अभी कंडीशन थोड़ा सा सीवियर है, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल कॉलेरा, और इस कॉलेरा के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, और कोई भी बातें छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि कौन सा इसमें पार्ट था जिससे आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में ही, अदरवाइज पॉसिबल हो सका था एक वीडियो में भी आपको बता दूंगा। तो टिल देन गुड बाय, और गुड बाय से कहने से पहले आपने पिछली वीडियो में बहुत सारे इतना प्यार दिखाया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए क्योंकि हम ऐसे कंटेंट आपके पास लेकर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए नहीं है, ये आपके हर एक सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं बहुत सारे डिजीज के लिए, तो उनके लिए भी एक मैसेज हो सकता है क्योंकि उन्हें भी जीने का हक है और जानने का हक है कि उन्हें जो डिजीज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या क्या मेजर टेक करने से उन्हें भी वो डिजीज से बचाया जा सकता है। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को स्प्रेड करें क्योंकि कोई भी जैसे कॉलेरा में आपका अफेक्ट ना हो। टिल देन आपका गुड हेल्थ हम कामना करते हैं, और आप लोग तो मस्त हो गए ही और मैं भी मस्त हूँ, तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू। चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अभी मैं हट जाता हूँ।